I just tried ChatGPT for the first time, and I'm honestly freaking out right now. I'm afraid for my job security. I have a $1.2 million condominium overlooking Lake Union, and I don't know how I'm going to afford my mortgage payments. I don't want to live in the sewers, and I definitely don't want to go back to Microsoft. This AI is very powerful. It knows the answers to questions that I don't even know. Like, I asked it things that were insanely hard, like, what is an integer? What is a linked list? It knew the answer to that. I asked it what a list was, and it knew that. I'm afraid right now. It knows how to code. I asked it to code a for loop, which I haven't seen since college, and it was able to iterate from 1 to 10 and output it. I was only ever able to go up to 9. This is insane technology and I'm really scared right now. तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप तुम्हारी जिंदगी में फूल खिल रहे होंगे। अगर नहीं खिल रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, खिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसी भूखरन चीज के बारे में बात करूंगा जिसने तो पूरी दुनिया में तहलका ही मचा रखा है। लोग तो उसे ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं क्या, कौन सी टाइम मशीन हो वो, कि पता नहीं क्या ही इन्वेंट हो गया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी भाई ओपन एआई नाम की एक कंपनी है, उसने एक ऐसा चैटबॉट बनाया है कि जिससे तुम कुछ भी पूछोगे ये तुम्हें उसका आंसर दे देगा, और वो आंसर ऐसा होगा कि तुम्हें गूगल पे वो कहीं नहीं मिलेगा। ये तुम्हें बस ऐसी फील देगा कि भाई साहब कि तुम्हारा एक बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल दोस्त है, तुमने उससे कुछ पूछा और उसने तुम्हें फटाफट उसका जवाब दे दिया। और ये एक बहुत ही ज़्यादा मस्त चीज़ है, ये एक बहुत ही मस्त चीज़ है। अगर तुम इसे बोलोगे ना कि मुझे तुम डॉग पर ऐसे लिख के दे दो, तो भाई साहब ये तुम्हें डॉग पर भी ऐसे लिख कर दे देगा। और वो डॉग पर ऐसे ऐसा होगा ना कि भाई तुम्हें इंटरनेट पर वैसा कोई ऐसे मिलेगा ही नहीं, अलग होगा, यूनिक होगा। मतलब कि जो होता है ना प्लैगरिज्म, जो भी होता है यार, जो मतलब कॉपी ना हुआ वो उसका तो केस बनता ही नहीं यार। तो अब कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं ना कि भाई साहब चैट जीपीटी के आने से गूगल को भाई साहब खतरा है, गूगल तो भाई तबाह ही हो जाएगा, लोग तो ऐसे बातें कर रहे हैं। तो उनको मेरा यही कहना है कि भाई साहब गूगल तो भाई एक पहाड़ के जैसा है जो कि अपनी जगह से हटने वाला नहीं है। भाई महान जी भी आ जाएगा ना तब भी वो ऐसा पहाड़ है, टूटने का नाम नहीं लेगा वो। फिलहाल तो अभी उसका केस तो ऐसा ही है कि भाई अभी तो गूगल कहीं नहीं जाने वाला, आगे जाके शायद कुछ हो जाए तो, है ना, क्योंकि जो चीज़ कहीं मेंशन हुई है, जो चीज़ ने जन्म लिया उसका अंत तो पक्का है, ये तो है, पर आगे जाके कब होगा वो अंत ये हमें नहीं पता, पर फिलहाल अभी तो उसका नहीं अंत नज़र आ रहा। तो अब ना एक वेबसाइट थी तो जिसपे चैट जीपीटी के बारे में लिखा हुआ था, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ था, देखो मैं तुम्हें पढ़ के सुनाऊंगा, कि सच एज जीपीटी 3 आर ट्रेंड ऑन वास्ट अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डाटा फ्रॉम द इंटरनेट एंड आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग ह्यूमन लाइक टेस्ट। तो यहाँ पे जो वर्ड है ना इंटरनेट, इस पे ध्यान देना, जब भी हम इंटरनेट वर्ड को सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो है गूगल। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि देखो एट द एंड चैट जीपीटी भी तो अपनी इन्फॉर्मेशन गूगल से ही तो उठा रहा है ना, तो गूगल तो कहीं नहीं जाने वाला। देखो चैट जीपीटी ना एक बच्चे के जैसा है, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सो यू डोंट नो अबाउट कॉस्मिक आइडेंटिटीज एंड आई टोल्ड यू टू राइट एन एसे ऑन इट, बट एज यू डोंट नो अबाउट इट सो यू वर नॉट एबल टू राइट। सो नाउ देयर इज़ अ बुक ऑन कॉस्मिक आइडेंटिटीज एंड आई टोल्ड यू टू रीड दैट एंड आफ्टर रीडिंग इट आई टोल्ड यू टू राइट एंड नाउ दिस टाइम यू राइट एन एसे। सो नाउ दैट द मेन थिंग इज जो तुमने ऐसे लिखा है और जो बुक में लिखा है उन दोनों का मतलब तो सेम ही होगा, बट एट द एंड उन दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट हुई, ग्रामर एंड द वर्ड्स इन अ बुक वर डिफरेंट फ्रॉम ग्रामर एंड वर्ड्स ऑफ योर एसे। तो उन दोनों में डिफरेंस होगा, तुम अपनी लैंग्वेज यूज़ करोगे जो तुमने अभी तक सीखा है अपनी पूरी ज़िंदगी में, जो तुम्हारी वोकैबुलरी है, तुम उससे वर्ड्स उठा के उसको यूज़ करोगे, पर एंड देन उन दोनों का मतलब सेम होगा। सेम चैट जीपीटी के साथ है, वो अपनी लैंग्वेज यूज़ करा इसीलिए उसका जो क्या कहते हैं कंटेंट है वो तुम्हें इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, और ये सब कुछ उसे फीड कराया जा रहा है, वो एक इंटेलिजेंस, तभी तो वो एआई है ना, वो एक इंटेलिजेंस है। और एट देन चैट जीपीटी भी इंफॉर्मेशन गूगल से उठा रहा है, उसमें अपनी लैंग्वेज पुट कर रहा है, उसमें अपने तड़का लगा कर तुम्हें पेश कर रहा है, और सवाल आता है जहाँ नौकरियाँ खाने का, तो भाई ये टाइम अभी नहीं आने वाला कि भाई नौकरियां जा रही है ना। अब चैट जीपीटी में भी काफ़ी लिमिटेशंस हैं, इनकी वेबसाइट ने खुद दी हुई हैं लिमिटेशंस। अब तुम देखो जैसे कि टेस्ला ऑटो ड्राइविंग वाली कार्स देख रहे, तो इससे क्या हुआ कि ड्राइवर्स बंद हो गए? नहीं ना, ड्राइवर्स अभी भी हैं, तुम्हारे बाहर अभी भी ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, न्यूयॉर्क में अभी भी टैक्सी चल रही है येलो कलर वाली, तो ड्राइवर्स कहाँ गए? देखो इन टेक्नोलॉजी से हमारी लाइफ आसान हो सकती है, बट ये नहीं है कि भाई नौकरियाँ ही बल्कि चली गई हैं, अभी वो टाइम नहीं आया है। अब पायलट्स को देख लो तुम यार, उनके पास भी तो ऑटो पायलट है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि पायलट्स की नौकरी चलेगी, अभी भी उनकी हायरिंग हो रही है, बस ये उनकी लाइफ आसान करने के लिए ऑटो पायलट। एट द एंड गेम तो भाई भरोसे की है ना, भी हम
उतने लायक नहीं बने हैं कि हम इन टेक्नोलॉजीज पे भरोसा कर पाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी, ये मशीन्स हमें कभी भी धोखा दे सकती हैं, और जब ये हमें धोखा देंगी तो नुकसान हम ह्यूमंस का ही होगा, हमेशा जान मान का ही नुकसान होता है। तुमने काफ़ी सारी साइंस फिक्शन मूवीज में देखा होगा। अब देखो फ़र्क ये है कि क्या ही इंटेलिजेंस सही या गलत के बीच में डिफरेंस बता सकती है। वी नीड अ मैन बिहाइंड इट, जैसे हर बच्चे के लिए उसके माँ बाप होते हैं उसे गाइड करने के लिए, हमें होना पड़ेगा इन टेक्नोलॉजी के पीछे इन्हें गाइड करने के लिए। ये भी उस लेवल पे सफिशिएंट नहीं हुए कि ये सब कुछ अकेले ही संभाल लें, तो नौकरियों वाला तो अभी काफ़ी दूर है। वी स्टिल नीड मैन ह्यूमन, ये चीज़ें बस हमारी ज़िंदगी को आसान करने के लिए, ना कि ये हमारी पूरी ज़िंदगी को अपने वश में करने के लिए। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टेप है फ्यूचर के लिए। अब एट द एंड तो मैं यही कहूँगा कि लाइफ हमारी फ्यूचर वही होगा जो तुम्हें साइबरपंक में दिखाया गया था। और ये फ्यूचर के बारे में बात करना एक अलग ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इसके ऊपर कभी किसी और दिन वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल बाय, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना अगर फ्यूचर वाली वीडियो देखनी है।